आज देश भर में महिलाओं ने रखा है करवा चौथ का व्रत, चांद के दीदार का रहेगा इंतजार, बाजारों में दिखी काफी भीड़। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, जनसभा को करेंगे संबोधित। ओबीसी ने किया जनसभा को संबोधित, 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर उठाए सवाल, सपा पर भी साधा निशाना। चीन के कई हिस्सों में बढ़े कोरोना के मामले, 19 नए मामले आए सामने, होटल बुकिंग पर लगी रोक। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आज कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर करवा चौथ पर्व मनाया जा रहा है और इस व्रत में महिलाएं दिन भर बिना कुछ खाए पिए रहेंगी। इस तरह निर्जल रहकर पति की लंबी उम्र और घर में सुख समृद्धि की कामना से दिन भर व्रत रखेंगी। इसके बाद ये व्रत शाम को चांद निकलने तक रखा जाएगा। वहीं करवा चौथ के चलते शनिवार को बाजारों में काफी रौनक भी दिखाई दी, तो ऐसे में आज पूरे देश भर में महिलाएं करवा चौथ मना रही हैं, व्रत रखा जा रहा है पति की लंबी उम्र के लिए। हालांकि बाजारों में भी इसकी रौनक देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही व्रत महिलाओं का शुरू हो गया है। दिन के समय कथा होती है जो महिलाएं सुनती हैं, उसके बाद शाम होते होते निर्जल व्रत रखते हुए जब शाम को रात को चांद निकलता है, उसके बाद महिलाएँ चांद को जल देकर अपना व्रत खोलती हैं। अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर दूर जम्मू में रविवार को शाह की रैली से कई संदेश देने की तैयारी है। नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर पेश करने के साथ अमित शाह देश दुनिया को 370 का सच भी बताएंगे। जम्मू कश्मीर के विकास और शांति में बाधा उत्पन्न करने के लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर पड़ोसी मुल्क को कड़ा संदेश देंगे। विशेष जे की समाप्ति पर हो हल्ला मचा रहे विपक्षी दलों पर भी वो निशाना साध सकते हैं। ऐसे में रैली के जरिए गृह मंत्री विकास से नेता जोड़ते हुए युवाओं, महिलाओं, शरणार्थियों, किसानों, वाल्मीकि समाज समेत तमाम तबके को यहां विश्वास दिलाने की कोशिश होगी कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर कायम है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर आए अमित शाह का पूरा जोर अनुच्छेद 370 हटाने के फायदे नुकसान की गणित लोगों को समझाने पर हो सकता है। तो आज आपको बता दें, 3 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं जम्मू कश्मीर में, इस समय वो मौजूद हैं। कल से उनका ये दौरा शुरू हुआ था, आज शाम को रैली होगी अमित शाह की और साथ ही पाकिस्तान को कड़ा संदेश उस रैली से देने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी कि आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 82वें संस्करण को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपने विचार साझा करने का आह्वान किया है। आमतौर पर यह कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है, लेकिन इस बार ये चौथे रविवार को होगा, जबकि अंतिम रविवार 31 अक्टूबर को है। तो आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री का ये 82वां संस्करण होगा मन की बात का। 11 बजे से मन की बात प्रधानमंत्री करेंगे और उसमें क्या कुछ अहम और मुख्य बातें होंगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि कई बार जब मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो कुछ ऐसा वो जरूर कहते हैं जो लोगों के हित में होता है, लेकिन आज वो अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश देंगे ये देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें, वहां वो कई कार्यक्रमों में करीब 180 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही किसानों और स्वयं सहायता समूह को 70 करोड़ रुपए ऋण वितरित करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री शाम 4 बजे से महायोगी गुरु गंभीरनाथ प्रेक्षागृह भगवान सभागार में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के राज्य ऋण संगोष्ठी और ग्रामीण समृद्धि सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल
होंगे। वहां वो किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 55 करोड़ और स्वयं सहायता समूह को 14 करोड़ से ज्यादा रुपए का ऋण वितरित करेंगे। इसके बाद वो करीब 38 करोड़ की लागत से बने घोलघर स्थित अपने मल्टी लेवल पार्किंग का फीता काट कर लोकार्पण करेंगे। वहां से निकलकर वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री वहां नगर निगम की करीब 141 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो ऐसे में आज से 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र की जेल में तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें बुखार होने के बाद लखीमपुर जेल से एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर चल रहे तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को लखीमपुर जेल में डेंगू के लक्षण मिलने के बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके रक्त के नमूनों की जाँच भी कर ली गई है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि आशीष मिश्र डेंगू से पीड़ित हैं या क्या है, लेकिन अभी रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि होगी। और ऐसे में आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जेल से अधीक्षक पीपी सिंह ने बताया है कि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आशीष मिश्र डेंगू से पीड़ित हैं या नहीं। उनका नमूना शुक्रवार को जाँच के लिए भेज दिया गया था। ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 4 किसान, 2 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 ड्राइवर, 1 पत्रकार शामिल हैं। इस मामले में दोनों पक्षों से 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें एक पक्ष से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ट्रेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। वहीं जांच कर रही पर्यवेक्षण समिति ने अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं, जिनसे पूछताछ के आधार पर अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने का सिलसिला लगातार जारी है। तो चलिए ऐसे में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। मेरठ में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किठौर में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में मुसलमान सपा बसपा कांग्रेस की गुलामी नहीं करेगा। मुस्लिम उनकी पार्टी के बैनर तले खुद की सियासी जमीन तैयार कर वोट की ताकत से लीडरशिप तय करेंगे। ऐसे में ओवैसी ने कोरोना वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 करोड़ डोज के दावे को भी झूठा बताया। उन्होंने कहा कि जब देश में 31% लोगों को ही वैक्सीन की डोज लगी है, तो 100 करोड़ संख्या कैसे हो गई। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान हमेशा से सपा बसपा कांग्रेस को वोट देता आया है। मुस्लिमों के बाप दादाओं ने हमेशा इन पार्टियों को वोट दिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अखिलेश यादव पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का वोट लेकर भी वो 3 चुनाव हार गए। अब कौन सा गणित है जिससे वो सत्ता में आएंगे। अब चुनाव आया है तो जिंदगी और मौत का सवाल कहकर वोट मांग रहे हैं। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए DMRC ने आवश्यक सूचना जारी की है। आपको बता दें, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया है कि रविवार को कुछ घंटों के लिए येलो लाइन पर सेवाएं बाधित रहेंगी। येलो लाइन पर विश्वविद्यालय और मॉडल टाउन स्टेशनों के बीच रविवार सुबह 7:30 बजे से कुछ घंटों के लिए मेट्रो नहीं चलेगी। ऐसे में रखरखाव के कार्यों के कारण येलो लाइन पर सेवाएं बाधित रहेंगी, लेकिन अन्य लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सामान्य दिनों की तरह ही जारी रहेंगी। इसके साथ ही DMRC ने यह जानकारी दी है कि यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए इस दौरान दिल्ली मेट्रो की फीडर बस सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि यात्री अपने मेट्रो की फीडर बस सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें टिकट भी नहीं लेना पड़ेगा। चीन की राजधानी में शनिवार को कोविड-19 के कुल 9 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए अधिकारियों ने जांच बढ़ाने और होटल में बुकिंग पर रोक लगाने का कदम उठाया है। ऐसे में बीजिंग में संक्रमित पाए गए 5 लोगों ने
इन पर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र और निंग्याश में हुई स्वायत्त क्षेत्र और शांकेसी प्रांत की 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच यात्रा की थी और ये लोग 16 अक्टूबर को बीजिंग लौटे थे। ऐसे में नगरीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक संक्रमित पाया गया एक अन्य व्यक्ति एक संक्रमित के करीब भी में संपर्क में आया था और इसके अलावा शुक्रवार को भी देश में संक्रमण के 32 मामले सामने आए थे। इन मामलों में वृद्धि के पीछे शंघाई के रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति बताए जा रहे हैं जो शियान समेत कई शहरों में गए थे और कोविड-19 से पीड़ित पाए गए थे। तो ऐसे में चीन में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, चीन में एक बार फिर से कोरोना लौटता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए पहले से ही चीन में सतर्कता बढ़ती जा रही है, होटल्स की बुकिंग रोक दी गई है और ऐसे में वहां पर लोगों के ट्रैवल पर भी बैन लगा दिया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बाहर आने जाने पर लोगों को मना किया गया है। तो आपको बता दें कि चीन के कई हिस्सों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और इसीलिए होटल बुकिंग पर भी रोक लगा दी गई है, स्कूलों को एक बार फिर से बंद करने का फैसला किया गया है और ऐसे में फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं चीन में और इससे दुनिया भर की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है क्योंकि कोरोना के मामले अगर भारत की बात की जाए तो भारत में बेहद कम मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं लेकिन जिस तरह से चीन में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ गए हैं उससे दुनिया भर की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार यानी कि आज T20 विश्व कप 2021 में अहम मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही टीमें इस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान ने मैच से एक दिन पहले ही अपनी 12 सदस्यता टीम का ऐलान भी कर दिया है। दोनों ही देश में क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। तो आपको बता दें T20 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान का आज अहम मुकाबला खेला जाएगा और मैच के लिए हर कोई इंतज़ार कर रहा है। जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको खास तौर पर सबसे ज़्यादा इंतज़ार है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच बेहद ही दिलचस्प होता है, इसलिए हर कोई आज शाम का इंतज़ार कर रहा है जब भारत और पाकिस्तान ये मैच खेलेगा और किस तरह से मैच खेला जाएगा ये देखने वाली बात है। लखीमपुर खीरी में मंडी में धान खरीदारी न होने से आहत किसान ने धान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आपको बता दें कि किसान ने मोहम्मदी मंडी अधिकारियों के सामने ही पेट्रोल डालकर अपने धान को जलाकर राख कर दिया। बताया जा रहा है कि किसान 15 दिन से धान मंडी में डालकर तोल का इंतजार कर रहा था, वहीं अधिकारियों की ओर से उसके धान में कहीं नमी तो कभी मानक के अनुसार न होने की बात कहकर उसे परेशान किया जा रहा था, जिसकी वजह से परेशान होकर किसान ने अपने धान को ही आग के हवाले कर दिया। तो लखीमपुर का ये पूरा मामला है, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से किसानों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। दरअसल कई दिनों से धान की तोल नहीं हो रही थी जिसकी वजह से किसान परेशान था, इसीलिए किसान ने अपने धान में आग लगा दी और ऐसे में ये आग किसान ने अधिकारियों के सामने ही लगाई है। नरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति हैं, उनका मैं परसों भी आया था मंडी में और उसी दिन पहले भी आया था मैं मंडी में। इनसे मैंने परसों बात किया था खुद आकर के मंडी में, उनके पिताजी नरेंद्र सिंह जी से, जिनका धान नीचे काफ़ी नमी थी, बारिश हुई थी तो हल्का हल्का नीचे का धान भीगा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि अपना धान ऊपर वाला जो है वो बेच दीजिए, नीचे वाला सूखता रहे, इनके पिताजी से भी आप पूछ सकते हैं मैं इनके साथ। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं शुक्रवार शनिवार अपना धान बेचना चाहता हूँ, पिताजी ने उससे कहा कि शुक्रवार शनिवार मैं धान अपना बेचना चाहता हूँ ताकि मेरा पूरा धान बिक जाए। और इनका धान भीगा था, सुखवा कल भी इन्होंने सुखवाया था, कल भी डस्टर इसमें चला, आप लोग देखें सामने भी देखिए धान फैला हुआ है इनका, आज भी सूख रहा है। तो जो ऊपर का धान भीगा तो मैंने कहा ऊपर वाला पहले आप धान इनका ले लीजिए जो सूख गया बिल्कुल, नीचे जिसमें हल्की हल्की नमी आ रही है वो धान का सूख रहा है। नरेंद्र सिंह यहाँ पे लड़कों के धान पड़े हुए हैं, परिवार के हमारे धान पड़े हुए हैं, तो धानों के खातिर हम यहाँ 8 दिन से पड़े हुए तौल के लिए टालते रहे, पानी गिर गया बीच में तो हमसे कहा डिस्टर लगवाइए, डिस्टर लगवा दी, काढ़ी लगवा दी, माउचर भी सही है, तो आज भी टाल रहे थे तो लड़के आए यहाँ नाराज़ हुए हमसे कि धान के बेस पे यहाँ पड़े रहोगे, तो हमने कहा ये पेट की रोटी है।
लखीमपुर खीरी में आई बाढ़ के बाद हालात बदतर दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद लगातार समाज सेवी संगठनों और ग्राम प्रधानों की ओर से ग्राम पंचायतों और तहसील स्तर पर बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट के साथ साथ जरूरत की चीजें मुहैया कराई जा रही है। वहीं इसी के चलते पलिया जिला बनाऊ मंच के संयोजक और बीजेपी नेता रवि गुप्ता ने अपनी टीम के साथ पलिया विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गाँव में ग्रामीणों को भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया। तो तस्वीरें देख सकते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां पर बीजेपी नेताओं ने ग्रामीणों को खाना दिया है, साथ ही पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें बीते 18-19 अक्टूबर को बारिश के बाद यूपी के कई जिलों में भी हालात बेहद खराब हो गए थे। बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, जगह जगह पर पानी भर गया था, जिसके बाद अभी तक हालात नहीं सुधरे हैं, जिसको लेकर जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे, जिनके घर इस बाढ़ में बर्बाद हो चुके हैं, उनकी लगातार मदद की जा रही है। बीते 17, 18 और 19 अक्टूबर को हुई भारी बारिश की वजह से और उत्तराखंड से बंद बसा बांध से लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी शारदा और घाघरा नदियों में छोड़े जाने के बाद लखीमपुर खीरी में बाढ़ के हालात बन गए हैं, जिसके चलते जनपद खीरी की लगभग 5 तहसील पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में लगातार लखीमपुर खीरी में बाढ़ से तबाही जो मची थी, अभी तक हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि पानी में लगभग 5 तहसीलें अब भी डूबी हुई हैं और इसीलिए हालात दिन पर दिन और ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि राहत बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी 5 तहसील पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। तो आपको बता दें लखीमपुर में बाढ़ ने जो तबाही मचाई है, उसके बाद भी हालात अभी भी ख़राब बने हुए हैं और ऐसे में पानी में अभी भी 5 तहसील लगभग डूबी हुई हैं। हालांकि लगातार राहत बचाव का काम किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, हर वो संभव मदद की जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन उसके बाद भी अभी भी लगभग 5 तहसीलें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। मैंने एरियल सर्वे किया है, कल भी मैं पीलीभीत गया था, आज मैं लखीमपुर में हूं। आप सबको जानकारी है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में भारी वर्षा हुई, अतिवृष्टि हुई, बादल फटे और बहुत बड़ा जो पानी वहां से आया हुआ है, अब तक के इतिहास में 90 सालों में सबसे ज्यादा पानी शारदा में आया और घाघरा में आया है, जिसके कारण से हमारे कई जिले प्रभावित हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज मैं लखीमपुर में आया हूँ। मैंने एरियल सर्वे के माध्यम से पलिया से लेकर के और धौरहरा तक सभी चीज़ों को, गांवों को देखा है। बहुत सारे गांव हमारे चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं, कुछ गांवों में पानी गांव के अंदर चला गया है, कुछ घरों में पानी चला गया है। प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरी तरीके से प्रशासन यहां पर लगा हुआ है। NDRF की टीम, SDRF की टीम, SSB की टीम, PAC की टीम और हमारे रैपिड एक्शन फोर्स की टीम, सब लोग मिल करके और जिला प्रशासन के सभी अंतरविभागीय समन्वय बना करके लोग काम कर रहे हैं। आगरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां STF की मदद से एतमादौला पुलिस ने अंतर्राज्यीय 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 75 लाख की कीमत का गांजा भी बरामद किया है। साथ ही आरोपियों से एक कार और कैंटर भी बरामद हुआ है। तो आगरा का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। 75 लाख गांजे की कीमत बताई जा रही है, साथ ही पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आगरा पुलिस ने STF के साथ मिलकर एक कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने लगभग 300 किलो गांजा बरामद किया है। और आगरा पुलिस और STF की टीम झंडा नाला मंडी समिति के पास एक मुखबिर की सूचना पे हम लोगों ने वहाँ पे घेराबंदी की थी। घेराबंदी में हमें ये पता चला था कि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आ रही है। पुलिस ने पहले उस गाड़ी को रोका, गाड़ी के लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो लोग रेकी कार है, वो लोग रेकी कर रहे हैं, आगे कोई पुलिस की टीम है या नहीं है।
और उनके पीछे ट्रक आ रही है जिसमें कि गांजा है। तो 10 मिनट बाद जब वहाँ ट्रक आए तो ट्रक को रोका गया, घेर के ट्रक को रोका गया और ट्रक को चेक किया गया। ट्रक खाली था लेकिन ट्रक के ऊपर गांजा छुपा के रखा हुआ था जिसे पुलिस ने बरामद किया। सर ये कहाँ के आरोपी जो तीनों पकड़े गए? जी विशेष केविंग बना रखी थी। और जो तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है देवदत्त उर्फ चिंटू, पुत्र दयाराम और ये जनपद पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं, कालीचरण पुत्र पूरन सिंह ये जट्टारी थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं, और वीरेंद्र बीरू पुत्र भूपन ये होडल जिला पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं। सर ये कहाँ से लेके आ रहे थे, कहाँ बेचने की प्लानिंग? पूरा माल ये लोग उड़ीसा से लेके आ रहे थे और इनका जो का मेन कार्य क्षेत्र है वो NCR रीजन है, नोएडा गाजियाबाद गुड़गांव दिल्ली इस रीजन में है। और इसके पूरे माल की बाजार का मूल्य लगभग 75 लाख रुपए है। ये लोग बहुत सस्ते दामों पे वहाँ से खरीद कर ऊंचे दामों पे यहाँ बेचते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं। खबर गोंडा से है जहां गोंडा पुलिस और सर्विलांस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही मौके से दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों से 22 फर्जी आधार कार्ड, दो लैपटॉप समेत एक प्रिंटर भी बरामद हुआ है। तो गोंडा का पूरा मामला है जहाँ पर फर्जी कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। साथ ही पुलिस ने दो शातिर को भी गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही इनके पास से आधार कार्ड और बाकी सामान भी बरामद किया है। जनपद गोंडा में अपराधियों पे जो कार्रवाई हो रही थी उसी के तहत एक बड़े गैंग का खुलासा किया गया है। इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड वो बनाया करते थे और जनपद गोंडा में कई जगहों पर लगातार ये सक्रिय थे। इसमें से तो जो अभियुक्त हैं श्याम निषाद सूरज मौर्य जो नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये लोगों से पैसा प्राप्त करके आधार कार्ड फर्जी वो बनाते थे, लोकवाणी केंद्र बेसिकली ये चलाते थे जहाँ पे कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रमाण पत्र बनाने को इनको मिला हुआ था, लेकिन उसी के आड़ में ये फर्जी आधार कार्ड बनाने लग गए, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे और इनके पास से लैपटॉप प्रिंटर 22 फर्जी जो आधार कार्ड वो बरामद किए गए हैं। ये लोगों से कुछ पैसों के लिए 500, 1000, 1500 जो भी रुपए मिल जाए वो प्राप्त करते थे और आपकी फ़ोटो लगा के नाम नंबर चेंज करके आपको ये आधार कार्ड फर्जी वो रिसीव करा देते थे। हमारी टीम को ये सूचना मिली थी और इसको कंफर्म करने के बाद में यहाँ छापेमारी की गई और इनके पास से रंगे हाथों इनको पकड़ा गया और इतनी चीज़ें सामग्री बरामद हुई। और जनपद गोंडा में इस तरीके का अभियान लगातार चलते रहेगा जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट खासकर आधार कार्ड वगैरह का निर्माण कर रहे हैं। मथुरा में ट्रैक्टर के नीचे आने से एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे से नाराज परिजनों ने युवक के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि परिजनों ने मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो मथुरा का यह पूरा मामला है जहां पर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई जिसके बाद परिजनों ने सड़क पर जाम भी लगा दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।